जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री नॉलेज 1998 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी के लिए मैं फिर से एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। साथियों, आप सभी के लिए असम राइफ़ल में न्यू वैकेंसी जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, असम राइफ़ल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। दोस्तों, एक और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है बहुत ही असम राइफ़ल का जो वैकेंसी है बहुत ही दिनों के बाद आपको देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, जो इस पर जो वैकेंसी निकली हुई है वो GD के लिए निकली हुई है और ट्रेडमैन के लिए निकली हुई है, टेक्निकल के लिए निकली हुई है और क्लर्क के लिए निकली हुई है। ठीक है साथियों, तो दोस्तों आपने बहुत दिनों बाद इस वैकेंसी को देखा होगा कि बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है साथियों, आपको मैं पूरी जानकारी अपने वीडियो पर दूंगा। आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे वीडियो पर बने रहिएगा, इसकी जानकारी मैं पूरा आपके अपनी वीडियो पर दूंगा। ठीक है साथियों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इंडियन आर्मी से रिलेटेड इतनी बहालियाँ और टी आर्मी और गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। ठीक है साथियों, अब साथियों इसके मैं नोटिफिकेशन की ओर आपको ले चलता हूँ कि आप कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफ़ल शिलोंग्स, तो ये आपका, ये आपको मैं इसका नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साथियों, साथ में आपको मैं बता दूँ कि इसका लास्ट डेट जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका लास्ट डेट का वेन्यू दिया गया है। इसमें लास्ट डेट आपकी रहने वाली 1 मार्च 2021। ठीक है साथियों, तो ये इसका लास्ट डेट है और बाकी मैं इसको और आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसमें हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जो पोस्ट में इसको आपको देखने को मिलने वाली है, जनरल ड्यूटी के लिए मिलने वाली है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। और इसमें आपका टोटल पोस्ट रहने वाला है 87 सिर्फ GD में। ठीक है साथियों, अब 15 पोस्ट है दोस्तों हायर क्लर्क के लिए, मेल और फीमेल दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो पोस्ट देखने को मिलने वाली है, आपको इसकी पोस्ट रहेगी 15। और बहुत सी पोस्ट में आपका जो निकला हुआ पोस्ट निकली हुई है दोस्तों, इसमें आपका लाइन मैन रहेगा, ऑफिसर रिलेटिव रहेगा, ऑथर रहेगा, इलेक्ट्रिशियन रहेगा, व्हीकल रहेगा, प्लम्बर, एक्सरे फीमेल, बॉर्डर कुक, सबके लिए आपको इसमें वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ठीक है साथियों, और आपका जो टोटल पोस्ट रहने वाला वो रहेगा आपका 134 पोस्ट रहेगा। ठीक है साथियों, अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ एलिजिबिलिटी, मतलब इसको कौन अप्लाई कर सकता है। थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में इसको आपको डिस्क्राइब करके दिखा देता हूँ। आप ऊपर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, असम राइफल्स पर्सनल्स हु वेयर किल्ड इन द एक्शंस डाइट व्हील इन सर्विस डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स एंड मिसिंग व्हील एज सर्विस आर एलिजिबिलिटी टू अपियर फ्रॉम कंप्रीजोनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट। ठीक है साथियों, इसका मतलब है दोस्तों, इसमें जो आपके पिताजी रहे होंगे, जो आप शहीद हो गए हैं या फिर कोई मेडिकल के कारण उनको बाहर कर दिया गया है, तो वही लोग इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है साथियों, एक बार वो आपको बता दूं, कुल मिलाकर ये जो वैकेंसी वो एक्स सर्विस मैन के लिए ही है, मतलब जिसके आपके फादर रहे होंगे तो वो रिटायर हो गए हैं जॉब से, असम राइफल की जॉब कर रहे होंगे तो वो रिटायर हो गए हैं, या किसी कारणवश आपके पिताजी का देहांत हो गया है, उन लोगों के लिए वैकेंसी है। ठीक है साथियों, अब मैं आपको आपको बता दिया हूँ कि लास्ट डेट कब है करके, इसकी लास्ट डेट 1 जनवरी 2021 को रहने वाली है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ हाउ कैन अप्लाई, तो आपका जो है www.assamrifle.government इनके साइट पर आपको जाना है, वहाँ पर इसका ऑफलाइन आपको मिल जाए, ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएगा। उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटेम्प्ट करना है, देखिए, सेल्फ अटेम्प्ट, कॉपीज ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिनिकल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा टेक्निकल ITI, और इतने सर्टिफिकेट आपको इसमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है साथियों, और इसमें आपको जो पता दिया देना है, जहाँ जो पता भरना है वहाँ पर ये आपका पता यहाँ पर इंक्लूड करना है। एक और मेन बात आपको बताना भूल गया साथियों, कि ये वैकेंसी ऑफलाइन है। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी आपके लिए ऑफलाइन है, यह वैकेंसी ऑनलाइन नहीं है। आपको एक बात अच्छे से बता दूँ कि ये वैकेंसी ऑनलाइन नहीं है, इसका ऑफलाइन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। ठीक है साथियों, आप सभी के लिए असम राइफ़ल की एक और वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि बहुत दिनों से असम राइफ़ल की वैकेंसी नहीं आई हुई है, क्योंकि 2020 COVID-19 के चलते चला गया। अब 2021 में असम राइफ़ल की आपको न्यू वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ये तो ऑफलाइन थी दोस्तों, ऑनलाइन भी आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि COVID-19 के चलते 2020 में बहुत सी वैकेंसी पोस्टपोन कर दिया गया था। 2021 में आप सभी के लिए 2021 में असम राइफल की वैकेंसी आएगी। ठीक है साथियों, इसका वीडियो मैंने आपको पहले ही बनाकर दे दिया था, और मैं आपका एंड स्क्रीन में दे दूंगा वो वीडियो मैंने आपको बनाकर दिया था कि आपकी वैकेंसी आने वाली करके। ठीक है साथियों, आप सभी को जल्दी, आप सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप सभी के लिए जल्दी वो वैकेंसी आने वाली है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट सही समय पर आपको मिलती रहे। साथियों, हम अपने चैनल पर इंडियन आर्मी, TA आर्मी और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं, कि इंडियन आर्मी की बहाली कब होना है, TA आर्मी भर्ती कब आना है, और इससे रिलेटेड वीडियो और उसके रिलेटेड जो भी ओरिजिनल पेपर होते हैं, जो भर्तियों के पेपर होते हैं, वो पेपर भी अपने चैनल पर लेकर आते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
धन्यवाद।